नमस्कार स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। कक्षा 12 में पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, अवकल समीकरण समझ में नहीं आता है। 9.6 प्रश्नावली, 9.6 वाला सवाल, सवाल नंबर 6 पर मैं आ चुका हूँ। इसके पहले सारा सवाल मैंने एक एक सवाल चुन चुन करके हल किया है। अगर आपको चाहिए तो आप संपर्क कीजिए, नहीं चाहिए तो भी इस वीडियो को देखिए। इसको देखने के बाद आगे के सारे सवाल आप कर लेंगे, पीछे के भी सवाल कर लेंगे। तो देखिए, सुनिए, सीखिए, ठीक है। चैनल पर पहली बार आने वाले सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। सबसे पहला काम डीवाई बाई डी एक्स के बगल में कुछ रहना नहीं चाहिए। तो इस एक्स को हम इधर लाएंगे, तो लाने का तरीका क्या होगा, हम एक्स से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग दे देते हैं, ठीक है। तो डीवाई बाई डी एक्स केवल बचेगा। अब टू वाई, टू यहाँ वाई यहाँ, स्टाइल है स्टाइल, बटे में एक्स, क्योंकि एक्स से भाग हो रहा है। और जब इसमें एक्स से भाग देंगे तो एक्स कटेगा, बचेगा एक्स लॉग एक्स, ठीक है, ठीक है ना। तो आगे देखिए आप कैसे करेंगे। अब इसकी तुलना करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करेंगे, ठीक है। क्या बेटा, क्या पेशाब लगा है, तो जाओ करके फिर आ जाना, ठीक है, धीरे से जाना। हाँ धीरे जाना, धीरे से जाना, शोर मत करना, ठीक है, सॉरी सर। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से, अब हम पी बराबर 2/x पा गए और क्यू बराबर क्या पा गए, एक्स लॉग एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम हमारा आई एफ की वैल्यू फाइंड करना है। इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, p का मान 2/x है, ठीक है, और dx, तो क्या होगा, e की पावर 2 आगे आ जाएगा, 2 आ जाएगा कहाँ पर, आगे 2 log x। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर log एक्स पर स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, न ये रहेगा न ये रहेगा, यह रहेगा केवल एक्स स्क्वायर। तो भाई साहब आई एफ का वैल्यू मुझे मिला एक्स स्क्वायर, बाकी काम मैं इधर करता हूँ। देखिए ध्यान से, अब मुझे लास्ट वाला स्टेप अपनाना है। लास्ट वाला स्टेप क्या, वाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ। अब q इंटू आई एफ का समाकलन कर दीजिए और प्लस में c जोड़ दीजिए, बस y इंटू आई एफ, आई एफ का मान देखिए एक्स स्क्वायर है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, q की वैल्यू देखिए x लॉग x, क्या है x लॉग x, इंटू आई एफ का वैल्यू एक्स स्क्वायर है डी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब लाग एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इन दोनों में दो फलन के गुणनफल का समाकलन होगा। आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो जान लीजिए, जब कभी लाग का गुणा रहे तो लाग वाले टर्म को हम पहला फलन मानते हैं, बाकी को दूसरा फलन। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकेंड। तो आप दो फलन के गुणनफल का समाकलन करेंगे तो ये पहला फलन जैसे है वैसे रहेगा, इसका समाकलन एक्स की पावर 4/4 माइनस पहले का अवकलन 1/x, फिर इसका समाकलन एक्स की पावर 4/4 इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए ये हम शुरू में लिखेंगे x घात 4/4 लाग x माइनस ई, देखिए कट जाएगा x क्यूब 4/4 इसका समाकलन प्लस सी। अब आप ये मान लीजिए कि x क्यूब का समाकलन करना है, 4/4 किनारे हो जाएगा, किनारे करने के बाद एक्स क्यूब का समाकलन एक्स की पावर 4/4 होगा, तो नीचे वो 4 चौक 16 हो जाएगा,
देखिए मैं जो बता रहा हूँ आप ठीक वैसे समझिए, वैसे करिएगा। 4 घात/16 प्लस में सी। अब यहाँ तक आप समझ गए हैं तो इसके आगे मैं समझा दूँ, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर को दाहिने पक्ष में हम भगा देंगे, तो जब एक्स स्क्वायर को दाहिने में भगाएंगे तो यहाँ 2 घात हो जाएगा, यहाँ भी 2 घात हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से दोनों पक्षों में हम भाग देने वाले हैं। तो वाई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16 और प्लस इसमें जब भाग होगा तो ये हो जाएगा सी एक्स की पावर -2। अब आप चाहे तो 4 और 16 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 1/16 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस यहाँ पर आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर बस प्लस ई एक्स की पावर -2। चाहे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ कर दें तो बुक वाला आंसर हमारा आ जाएगा, यहाँ से कॉमन यहाँ से कॉमन, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ आ जाएगा क्या चीज़ एक्स स्क्वायर। बस यही आपका आंसर है, ठीक है मेरे बाबू। ठीक है बेटा, बार बार उसको खींचो मत, आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा क्लास, ठीक है बार बार मत खींचो। अगला सवाल भी बताएंगे इसी वीडियो में, देखते रहिए हमारा चैनल। अब सवाल नंबर 7 पर एक नज़र देखिए, 7 नंबर सवाल कैसे करना है। dy/dx के बगल में से x log x को हटाएंगे तो इसके लिए दोनों पक्षों में हम इसी से भाग देंगे, x log x से क्या करेंगे भाग देंगे, तो बचेगा केवल dy/dx प्लस 1/x log x, y को साइड में कर देता हूँ, बराबर 2/x इंटू, जब लॉग एक्स में एक्स लॉग एक्स से भाग देंगे तो लॉग लॉग कट जाएगा, एक्स बचेगा नीचे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है अब कंपेयर कर दीजिए, पी बराबर ये हो जाएगा 1/x लॉग एक्स और क्यू बराबर क्या हो जाएगा 2/x2। अब मैं क्या करूँगा, आई एफ निकालने से पहले हम P का समाकलन कर लेते हैं, क्यों करेंगे अभी मैं बताऊंगा। अरे जब हम इस तरह से लिखते हैं आई एफ निकालने के लिए तो हम केवल इतना ही ना साल्व करते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि केवल इतना ही हम अलग से साल्व कर लें, फिर बाद में इसके ऊपर हम घात बना के लिख देंगे उसका आंसर, तो ये थोड़ी बुद्धिमानी होगी। इस नाते आप देखिए PdX बराबर हो जाएगा, पी का वैल्यू 1/x लॉग एक्स होता है, 3x लॉग एक्स को t मानेंगे तो 1/x dx बराबर dt आ जाएगा, यानी 1/t dt, 1/t dt इस तरह से हो जाएगा। ठीक है अब इसका समाकलन लॉग t, यानी क्या हो जाएगा लॉग t की जगह पर क्या माना गया है लॉग एक्स, ये हो गया लॉग लॉग एक्स, क्लियर। अब आई एफ का मान निकाल लेते हैं, आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो ई की पावर ये जाएगा लॉग लॉग एक्स लॉग लॉग एक्स, तो मैंने बोला था ना ये रहेगा ना ये रहेगा, इसके आगे वाला सब रहेगा तो ये दोनों ख़त्म, तो लॉग एक्स क्या होगा बचेगा, तो आई एफ का मान आपको मिला लॉग एक्स। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है अगली लाइन क्या है हमारी, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, ठीक है प्लस में c, तो y इंटू आई एफ, आई एफ की वैल्यू यहाँ पर है लॉग x बराबर इंटीग्रेशन q का वैल्यू कहाँ पर है 2/x2, आई एफ का वैल्यू लॉग एक्स है तो लॉग एक्स पहले लिखो,
इसका मान पहले लिख दिया, इसका मान बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। कारण है, एक लाइन बच जाएगा हमारा। अब यहाँ पर दो फलन का गुणनफल चलेगा, लॉग एक्स पहला फलन और दो को हम शुरुआत में लिख लेंगे तो हो जाएगा एक बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो वाई लॉग एक्स बराबर दो, लॉग एक्स को प्रथम फलन मानिए, कोष्टक बना के लिखने दो भाई। लॉग एक्स प्रथम फलन इंटू एक बटे एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन बटे, यानी हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन बटे माइनस वन, ठीक है ना। और फिर माइनस चिन्ह लगा के, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा के इसका अवकलन करेंगे एक बटे एक्स, फिर इसका समाकलन करेंगे तो एक्स की घात माइनस वन बटे माइनस वन, ठीक है, डी एक्स बड़ा कोष्टक बंद प्लस में सी। तो ये माइनस शुरू में आ जाएगा, ये और ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। वाई लॉग एक्स बराबर टू ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे एक बटे एक्स लॉग एक्स प्लस, ये नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या इसको ऊपर ले आएंगे तो एक्स की पावर माइनस टू, और फिर उसका जब समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर माइनस वन बटे माइनस वन होगा, ठीक है, प्लस में सी। तो वाई लॉग एक्स बराबर टू ब्रैकेट में एक बटे एक्स लॉग एक्स, ये हो जाएगा माइनस में एक बटे एक्स प्लस में सी। अब एक बटे एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन लेके बाहर कर देते हैं, दो बटे एक्स हो जाएगा। फिर लॉग एक्स से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे हम, तब हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा, सही है ना। तो इस चीज़ को आप समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं मिटा देता हूँ भाई, देखिए ये जो माइनस है आगे आएगा यहाँ पर, इस माइनस को यहाँ से देखिए, ये जो माइनस है ना यहाँ शुरू हो जाएगा ना, यहाँ पे, यहाँ पे। अब हम एक बटे एक्स यहाँ से, यहाँ से कॉमन लेके इधर कर देते हैं और लॉग एक्स से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो वाई बराबर, ध्यान दीजिएगा, एक बटे एक्स, एक बटे एक्स कॉमन हो गया, बाहर आ गया तो हो गया दो बटे एक्स, अंदर लॉग एक्स है, इससे भाग हो जाएगा तो एक कट जाएगा, वन हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन अपन एक्स, लॉग एक्स भी आ रहा है। प्लस सी, सी बटे लॉग एक्स करेंगे, सी बटे लॉग एक्स, अब ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसको आंसर मान लिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसे छोड़ने का विचार ना हो तो आप यही छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर मान लिया जाएगा। दोनों में से माइनस का मान ले लीजिए, यही आंसर मान लीजिए, नहीं तो यहाँ छोड़ दीजिए, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है।